मैं रफशान बिरानी एमईटीवी न्यूज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। एमपी के खंडवा में मशाल रैली में हादसे से आग में झुलसे 30 लोग। जी हां दोस्तों, 28 नवंबर के दिन एक मशाल रैली का आयोजन किया गया था। यह रैली 26/11 में शहीद हुए हमारे शहीदों के लिए निकाली गई थी। खंडवा के जो एसपी है मनोज राय, उनके मुताबिक यह हादसा मशाल उल्टी होने के कारण से हुआ और जिसमें 30 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 18 लोगों का उपचार करके उन्हें घर भेज दिया गया है। 12 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में एडमिट है। देखिए किस तरीके से यह भयंकर हादसा हुआ और कैसे लापरवाही के चलते आग में झुलसे 30 लोग। धन्यवाद। सभा के रूप में कार्यक्रम बड़ा भव्य रखा गया था, उसके बाद जुलूस की अनुमति आयोजकों द्वारा ली गई। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मशाल थी वहाँ रखते समय कुछ मशाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मशाल थी वो भबक गई। उन भबकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे, उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे, उन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कोई भी अभी खतरे में नहीं है, खतरे के बाहर सभी लोग हैं। सभी डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है, इसमें कोई भी घबराने की।